सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को लो कॉन्फिडेंस पोशन में ना हराया, तकबर सुने जरा, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमरीकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन, वो हमें माफ करोगे। वहाँ सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, 20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? Absolutely not. आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, 40 अरब रुपए के FIA में और NAB में केसेस हैं, और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। या अल्लाह, तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए, तो क्यों जमीन पे चूटियों की तरह रींग रहे हो? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बशूर को आपको एक गुलाम बनाने जा रही। इनको नहीं पता के क्या एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। ये क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। जेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी, तो गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। ये नाम आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। किसी इंसान को अल्लाह ने सब दिया था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। Either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. My belief is La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. ये जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से आवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आर है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे, है हक हमारा, तेरा पाप पीटेगा।
आपके लिए लाए हैं ताजा हवा का एक दिल फरेब। 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली शऊर और आजादी की पहली बारिश इमरान खान। जब तक आपका कप्तान खौफ ज़दा नहीं तो आपको किसी से डर है ना, तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। Never has one man scared the establishment political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कैंपेन टांगनी शुरू हो जाती है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। हमारा पाकिस्तान, हम फैसला करेंगे, हम करेंगे। आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती है। लारा रूबी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। You enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. जिस हमने एक गोलियां खा करके 150 पर्चे बर्दाश्त कर करके दहशतगर्दी के दांतों के चक्कर लगवा लगवा कर फिर भी आसमान को देखते हुए मुस्कुराता हुआ निशा नारक का बच्चा खुदा की गैरतमंद है। ये बहादुर माँ ने बहादुर बेटा पैदा किया है। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी छुप जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक एक करके हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं है, एक बार उस दरख्त को जरूर देख लीजिए जिसका एक एक पत्ता उससे चढ़ता जा रहा है, लेकिन वो दरख्त खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि बहार आएगी और बहार को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे तो उस दरख्त को भी काट दो, बहार फिर भी आएगी। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। उम्मीद नहीं टूटने दे रही है, आजादी की उम्मीद। अरे उसे हटाने के लिए इस मुल्क में जज बिका, जर्नैल बिका, सियासतदान बिका, मुल्ला बिका, सहाफी बिका, दानिशवर बिका, दलाल, और न जाने कौन किस किस की खाट पे बिका, वो आज भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा। अल्लाह तेरी इबादत करते और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगते। He will succeed. He is bound to succeed. ये आप वो हजार में से हजार दफा गलत पूछते हैं। जो हारने से डर गया ना वो कभी नहीं जीत सकता, पत्ता पलटेगा। अमीर शहर की मुझसे फकत इतनी सी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत बिज्जत अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का। ऐसा हीरा आदमी, ऐसा लीडर कहां मिलता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर तोहफा दिया। जो जिंदगी है ना वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम जीरो से एकदम कामयाब हो गया। वो साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच जिंदगी का नाम है। हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाए। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फसीलें बांध के नहीं रख सकता। मुफामत ना सका जबर नारवा से मुझे,
मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी पुनाह से भी। जान माल इज्जत आबरू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे जितना भी हो, डाकुओं का गुलदस्ता, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे, जितनी भी ये प्लाने हैं, मैं इनके लिए भूरी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, चौधरी सरवर, जहांगीर करीम, अलीम खान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरा गोजी, तोशा खाना, रिहाम खान, शाहिदा फरीदी, सहबा गुल, आयशा गुलाल, मुस्तफा कमाल, गुलकार जवाद अहमद, मलक रियाज, आरयूबी, जडयूबी, कॉल लीग, ममनुआ फंडिंग और 90% मीडिया के नाम ने हाथ से हाथ के तजुर्बे मिलाकर सब हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान आज भी मकबूलियत की उम्मीद पर। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। आप हमारे लिए हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें तो आप मुहिब्बे वतन और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। आप खुदा ना खास्ता कभी हार भी जाएं तो आप मुहिब्बे वतन हैं। और हम आपसे पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या हुआ था तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। हम हंसे तो गद्दार हैं, रोए तो गद्दार हैं, बोले तो गद्दार हैं, चुप रहें तो गद्दार हैं, बात करें तो गद्दार हैं, ना करें तो गद्दार हैं, हम सवाल करें तो गद्दार हैं, जवाब मांगे तो गद्दार हैं, जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार हैं, क्योंकि हम पैदा हुए हैं हुजूर गद्दारी के।